नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि इस की विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है, संगठन के रूप में तैयारी है। हम 119 सीटें घोषित कर चुके हैं और जल्द बाकी सीटें भी घोषित करने वाले हैं। हम लोग जमीन के स्तर पर 25 तारीख से डोर टू डोर कैंपेन चलाकर पूरी ताकत जमीन के स्तर पर खड़ी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया जो इस समय देश में बहुत बड़ा माध्यम है अपने संदेश को पहुंचाने का और जानकारी एकत्र करने का, उसका भी प्रयोग पूरी ताकत से करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जब से बनी है इस माध्यम का इस देश में सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है। आज इस संदर्भ में सोशल मीडिया के दो कैंपेन हम लोग आज अनाउंस कर रहे हैं। पहला कैंपेन है अब बस, बहुत हुआ अब बस, कि जो कुछ भी इस प्रदेश के अंदर गड़बड़ हो गया है, जिससे लोग आहत हैं और लोग कह रहे हैं कि हम इसको बदलाव चाहते हैं, अब हम इसको सहना नहीं चाहते, उसको लेकर ये पूरा कैंपेन है। अरविंद जी इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और दूसरा कैंपेन है सरकार सरकार में पद होता है। आप सब जानते होंगे शायद कि इस समय विज्ञापन की श्रृंखला चल रही है FM पे, सब जगह हर आधे घंटे में आपको एक विज्ञापन सुनाई पड़ता है सरकार सरकार में फर्क होता है। और ये फर्क किसका किया जा रहा है, 2003 की दिग्विजय सिंह सरकार और आज की भाजपा सरकार में। हम कह रहे हैं बिल्कुल सरकार सरकार में फर्क होता है, ये तुलना की जानी चाहिए। पर आम आदमी पार्टी कह रही है ये तुलना 3 साल की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की और मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तुलना की है। जब हम डोर टू डोर कैंपेन में जाएंगे तो हम भी सरकार सरकार में पद की बात करेंगे जो सब शिवराज जी कह रहे हैं, पर हम जो पद की बात करेंगे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की 3 साल की सरकार और हमारी शिवराज सिंह की 15 साल की सरकार में फर्क किया जाएगा। इस पर हमने 6 छोटे-छोटे वीडियोज बनाए हैं जिसको हम सोशल मीडिया से सर्कुलेट कर रहे हैं। इनको दिखाने के पहले मैं चाहूँगा कि अरविंद जी बात करें, मैं अरविंद जी का परिचय करा दूँ। अरविंद जहाँ हमारे सोशल मीडिया और आईटी के नेशनल हेड हैं, 1986 में आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं। उसके बाद अमेरिका में तमाम बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल एडोबी और कंपनियों के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, और जब आम आदमी पार्टी बनी तो जैसे देश के तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए, अपना सब कुछ छोड़ के अरविंद जी भी जुड़ गए। और पिछली जनवरी से पूरी मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया और आईटी कैंपेन को देख रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि अरविंद जी पहले इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम धन्यवाद अरविंद जी। जनवरी में मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया कि आप मध्य प्रदेश में मदद कीजिए, तो जनवरी से 9 महीने में मैं ये घूम के देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हालात हैं। और जो समझ में आ रहा है कि जनता बहुत गुस्से में, उनको लग रहा है कि 70 साल से कांग्रेस और भाजपा ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, दोनों ने अपने अपने घर भर लिए। 40-45 साल कांग्रेस के हो गए, 25 साल करीब भाजपा के हो गए। जनता वहीं की वही है, गांव गांव से लोग जो है आके बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ विकास होता ही नहीं, वहीं रह जाती है जहाँ की। बहुत से लोग जो दिल्ली बॉम्बे में भी काम करते हैं बोलते हैं जब हम 10-15-20 साल बाद गाँव जाते हैं पता चलता है वहीं पर हैं। तो हमें लगा इसको बताने का सबसे बढ़िया तरीका है एक हम कैंपेन करें जहाँ पर हम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ अब बस के माध्यम से, कि जनता अब सरकार से कह रही है कि अब हम नहीं सहेंगे, अब हम और इसको नहीं झेलने वाले हैं, अब इस पे बस करेंगे और एक नए विकल्प की ओर जाएंगे। तो ये कैंपेन हम कैसे चलाएंगे, ये कैंपेन हम डिजिटल सोशल दोनों तरीकों से चलाएंगे। हमने एक वेबसाइट बनाया है जो अब बस कैंपेन का वेबसाइट है, जो कि एमपी वेबसाइट से आप जा सकते हैं। और उसके लिए कुछ हमने एक फेसबुक का कैंपेन हम चलाएंगे, आपको दिखाएंगे अभी। फेसबुक के कैंपेन में और वेबसाइट के कैंपेन में हम लोगों को कह रहे हैं कि आपको जहाँ भी कुशासन दिख रहा है, जो भी आप रोकना चाहते हो इस प्रदेश में, मान लो सरकार में आपको दिखा कि कोई बहुत स्कूल की हालत ख़राब है, या अस्पताल की हालत ख़राब है, या रोड की हालत ख़राब है, या गौशाला की हालत ख़राब है, या कहीं पे भ्रष्टाचार सड़कों पे दिख रहा है, आप उसकी फ़ोटो खींचो। हमने 3 स्टैम्प बनवाए हैं जिसका स्टैम्प का है अब बस। वो स्टैम्प जो है आप अपने कोई भी फोटो एडिटर यूज़ करके उस वीडियो पर वो स्टैम्प मोहर लगाओ, अब बस की मोहर लगाओ, और अब बस की मोहर लगा के वो हमें वापस भेज दो। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, लोग व्हाट्सएप के थ्रू हमको भेज सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी भेज सकते हैं। वो सारे जो हमारे पास आएंगे हम वापस वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे,
तो आप देखेंगे कि अगले 10-15 दिन में हमारे वेबसाइट पे हजारों इस तरह की फोटोज आनी शुरू हो जाएंगी, जहां जनता कह रही है कि अब बस बहुत हो गया और इसका नहीं होना। साथ ही हमने एक गाना बनाया ताकि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हमारे जितनी भी रैलीज होंगी, जितनी सभा होंगी, वहाँ हम गाना चला के लोगों को बता सकते हैं कि आपकी आवाज़ हम भी इको करा रहे हैं, आपकी आवाज़ हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारे हर रैली में जनता खुद बोलेगी कि अब बस, अभी हमें इसको रोकना है। तो सबसे पहले आपको हम गाना सुना देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा कैंपेन कैसे चलेगा, उसके बाद सरकार में फर्क क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए, लगी है कमाई बहुत हुआ, बहुत लुटा, बहुत सहा। इस तरह के लोग हमें फोटोज भेजना शुरू कर देंगे तो प्रदेश की जो व्यवस्था है वो लोगों के सामने आनी शुरू हो जाए। ऊपर भी आप देख सकते हैं, आपके लिए प्रोजेक्ट कर दिया है। कोई भी कहीं की भी फोटो खींच के जो उसको रोकना है, जो उसको सरकार को मैसेज देना है कि आप इसको बदलिए और हम इसको नहीं झेलने वाले, ये आप हमें भेज देंगे। और हमने इसमें यह भी किया है कि जो हमें बढ़िया से बढ़िया पिक्चर भेज के देंगे, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष की वहाँ पे सभा होगी तो उनको उनसे मिलने का, सेल्फी खींचने का मौका दिया जाएगा। तो इसमें उनके लिए भी कुछ हमने एक गिफ्ट की तरह से रखा है, वो उनको जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम प्रेजेंट करेंगे। ये सारा डेटा और सारा जो है हमारे वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया से, हमारे नेशनल सोशल मीडिया से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उनको भी पता चलेगा कि उनकी आवाज़ जो है पूरे देश में फैल रही है। ये हमारा अब बस कैंपेन है। इसमें हमने लोगों को बोला है कि आप हर तरह की जो भी आपकी दुख है उन सब के ऊपर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए कि अब हम इसको नहीं झेलेंगे, आगे वाले चुनाव में इसको हम बदल देंगे। तो ये हमारा अब बस कैंपेन। दूसरा जो हम लॉन्च कर रहे हैं, भाजपा जैसे आलोक जी ने बताया कि सरकार में फर्क है का दावा कर रही है और 15 साल पुरानी दिग्विजय जी की सरकार के साथ अपने आप को तुलना कर रही है। मोदी जी जो है 70 साल पुरानी नेहरू की सरकार के साथ तुलना करते हैं
और शिवराज जी जो है 15 साल के पीछे जाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इस समय देश में दो सरकारों का मॉडल चल रहा है, एक दिल्ली सरकार का मॉडल चल रहा है और एक 17-18 राज्यों में भाजपा सरकार का मॉडल चल रहा है। अगर भाजपा में हिम्मत है तो हम चैलेंज करते हैं कि आप अपनी किसी भी सरकार को हमारी दिल्ली की सरकार के मॉडल के साथ कंपेयर कीजिए। 3 साल में जो हमने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, भ्रष्टाचार को कम करने में काम किया है, उस पर काम कीजिए। हमने जो रैन बसेरों पर काम किया है, हमने जो स्लम्स में काम किया है, हमने जो टॉयलेट पर काम किया है, जो कि शौचालय हमने नए नए बनवाए हैं, उसको ज़्यादा जाके देखिए कि हमने क्या कर दिया है। और इन 6 वीडियोज़ के माध्यम से हम जवाब देना चाहते हैं भाजपा को, जो कि कैंपेन चला रही है सरकार सरकार में फ़र्क है, कि हाँ सरकार सरकार में फ़र्क है, जमीन आसमान का फ़र्क है। अगर रियली आप फर्क देखना चाहते हैं तो देखिए दिल्ली सरकार किस तरह का फर्क कर रही है, जो कि भारत में कोई भी सरकार पिछले 17 साल में नहीं कर पाई। तो आपको पहले वीडियो दिखाते हैं। भाजपा कहती है सरकार सरकार में फर्क, ये देखिए फर्क। एक तरफ एमपी पे 15 साल राज करने वाली भाजपा सरकार, जहां 11,000 किसान जान दे चुकी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सिर्फ 3 साल पुराने दिल्ली सरकार, जिसमें फसल खराब होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपयों का मुआवजा दिया। एक एमपी है जहाँ 40,00,000 परिवारों को साफ पानी मिलता नहीं, और एक दिल्ली है जहाँ सरकार ने हर परिवार तक 30,000 लीटर पानी मुफ्त पहुंचाया। ये है एमपी के अस्पताल जहाँ डॉक्टर स्ट्राइक पर है और पेशेंट जमीन पर, और ये है दिल्ली के नए विश्व स्तर के मोहल्ला क्लिनिक जहाँ इलाज, दवाई, टेस्ट सब मुफ्त है। भाजपा सही कहती है सरकार सरकार में फर्क, जमीन आसमान का फर्क। दिल्ली जैसी फर्क वाली सरकार बनाने के लिए इस बार झाड़ू पर बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। भाजपा कहती है सरकार सरकार में फर्क, ये देखो फर्क। ये है एमपी जहाँ 25,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, और ये है दिल्ली जहाँ पिछले 3 साल में स्कूल और कॉलेज चकाचक बनाए गए हैं। एक तरफ एमपी जहाँ 26,00,000 युवक बेरोजगार हैं, जिनमें से रोज 2 जान दे रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली जहाँ युवकों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग और रोजगार दिए जा रहे हैं। ये है एमपी के वृद्ध जिनको केवल 300 रुपये की पेंशन पे गुजारा करना पड़ता है, और ये दिल्ली के बुजुर्ग जिनकी पेंशन 2,500 कर दी गई है। भाजपा सही कहती है सरकार सरकार में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली जैसी फर्क वाली सरकार लाने के लिए झाड़ू पर बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। भाजपा कहती है सरकार सरकार में फर्क, ये देखो फर्क। ये है एमपी यहाँ बिजली बनती है और यही के लोगों को महंगी मिलती है। ये है दिल्ली यहाँ बिजली एमपी से आधे ज्यादा मिलती है। एक और मध्य प्रदेश जहाँ घूस के बगैर भी काम नहीं होता, दूसरी ओर दिल्ली जहाँ पिछले 3 साल में हमने भ्रष्टाचार 81% से कम कराया। ये है एमपी के नेता जो राजा बनकर एमपी को लूटते आए, और ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो आम आदमी बनकर लोगों से रोज मिलते हैं। भाजपा सही कहती है सरकार सरकार में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। दिल्ली जैसी फर्क वाली सरकार लाने के लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। भाजपा कहती है सरकार सरकार में फर्क है, ये देखिए फर्क। 15 सालों में भाजपा ने मध्य प्रदेश की झुग्गियों के लिए कुछ नहीं किया, गरीब इंसान नाले में ही रहने को मजबूर, जबकि सिर्फ 3 साल में दिल्ली सरकार ने झोपड़े वालों के लिए 10,000 साफ सुथरे शौचालय बनवाए, जिनकी लगातार देखभाल होती है। ये है मध्य प्रदेश के जर जर टूटे फूटे रैन बसेरे जहाँ बेघर आदमी भी जाने से घबराता है, और ये देखिए दिल्ली के साफ सुथरे रैन बसेरे जहाँ गरीबों को कंबल, चाय, बिस्किट, साफ पानी, शौचालय और हाट टीवी भी उपलब्ध है। एक तरफ मध्य प्रदेश में सालों से झुग्गी बस्ती वालों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, विस्थापितों को बस टीम के छप्पर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2022 तक सारे झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान देने का वचन दिया है, हजारों लोगों को घर भी मिल चुके हैं। भाजपा सही कहती है
सरकार सरकार में फर्क है, जमीन आसमान का। दिल्ली जैसी फर्क वाली सरकार लाने के लिए इस बार झाड़ू पर बटन दबाए आम आदमी पार्टी को विजयी बनाए। भाजपा कहती है सरकार सरकार, भाजपा कहती है सरकार सरकार में फर्क है, ये देखिए फर्क। एक तरफ मध्य प्रदेश है जहाँ सड़क दुर्घटना होने पर आम आदमी तड़प तड़प के मर जाता है, पुलिस के डर से कोई मदद नहीं मिलती, सरकारी हॉस्पिटल उसे एडमिट नहीं करते। दूसरी तरफ दिल्ली में अगर दुर्घटना हो जाए तो आप घायल को किसी भी पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते हैं, सारा खर्चा सरकार देती है, भर्ती कराने वाले को 2000 इनाम निकलता है, क्योंकि दिल्ली सरकार आम आदमी की जान की कीमत जानती है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल और नेताओं की निरीभगत से आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मजाल है कि कोई गरीब यहाँ इलाज पा सके। दिल्ली ने उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को जो सरकारी जमीन पर बने हैं वहाँ गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में 100 रुपए की दवाई 3000 में मिलती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल और नेताओं में साठ गांठ और लेन देन है। दिल्ली सरकार ने दवाइयों के रेट पर सख्त कंट्रोल रखा है। हॉस्पिटल अगर मनमाने रेट लगाएंगे तो जुर्माना देना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में तो सारी दवाइयां मुफ्त ही है। भाजपा सही कहती है सरकार सरकार में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। दिल्ली जैसी फर्क वाली सरकार लाने के लिए इस बार झाड़ू पर बटन दबाए आम आदमी पार्टी को विजयी बनाए। भाजपा कहती है सरकार सरकार, भाजपा कहती है सरकार सरकार में फर्क है, ये देखिए फर्क। एक और मध्य प्रदेश में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 2500 करोड़ तक पहुंच जाता है और अफसरों के 3-4 आलिशान फ्लैट बन जाते हैं पर पुल नहीं बनता। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सरकारी पुल समय से पहले और बजट के भीतर तैयार हो जाते हैं क्योंकि सरकार ईमानदार है। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर दलाली और घुसखोरी के अड्डे बने हुए हैं। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसफर आदि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप घर बैठकर खुद कर सकते हैं, दलालों और घूस की जरूरत ही नहीं। मध्य प्रदेश में तो बिना 4-5 चक्कर के या बिना दलाल के कुछ काम ही नहीं होता। दिल्ली में सरकारी दस्तावेज, राशन, प्रतिलिपि, प्रमाण पत्र आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाजपा सही कहती है सरकार सरकार में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। दिल्ली जैसी फर्क वाली सरकार लाने के लिए इस बार झाड़ू पर बटन दबाए आम आदमी पार्टी को विजयी बनाए। तो आपने देखा, ये हमारा जवाब है सरकार सरकार में फर्क है, और उनको एक तरह से इशारा है कि आप पीछे मत जाइए, आगे की बात कीजिए। पीछे जाने का मतलब है लोगों को और पीछे लेके जाना। हम लोगों को पीछे नहीं लेके जाना चाहते, हम लोगों को आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये सारे वीडियोस प्रोजेक्टर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि सारे 2-3 करोड़ परिवारों तक पहुँचाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके किस तरह की सरकार वो ला सकते हैं और अपने प्रदेश को खुशहाल बना सकते हैं। ये सारे वीडियोस और ये सारे गाने हमारे वेबसाइट पे भी होंगे, लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे, आपको भी दे दिए। आपके प्रेस नोट में हमने सारी वेबसाइट्स के लिंक्स दे दिए हैं, आप डायरेक्टली उस लिंक पे जाकर ये सारे पोस्टर्स देख सकते हैं, गाने मिल जाएंगे आपको। चैनल आपको ऐसा ही एहसास देता रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जल्दी से कर लो और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे क्लिक कर लो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नए वीडियो और एक अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।